बात कर लेते हैं यहाँ से अब ग्वार कॉम्प्लेक्स की। तो हम देख रहे हैं कि ग्वार गम का प्रेल वायदा 12,800 के ऊपर है, 13,200 का ही लगा चुका है। आज आधे फीसदी की करेक्शन ग्वार में बनती नजर आई है ऊपरी स्तरों से। वहीं गवार सीड में देख रहे हैं कि गवार सीड का प्रेल वायदा 6,500 के ऊपर है, 6,725 का ही लगा चुका है। 1.5% की करेक्शन गवार सीड में भी देखने को मिल रही है। हम देख रहे हैं कि गवार सीड में अब धीरे धीरे जो फंडामेंटल्स हैं वो धीरे धीरे जो मजबूती वाले थे अब मजबूती दिखाते नजर आ रहे हैं। अब एक्चुअल में जो तेजी बननी है वो तेजी बनती नजर आई है। हालांकि वायदा बाजार में देख रहे हैं ऊपरी स्तर से मुनाफा वसूली बनी है, लेकिन जानकारों के मुताबिक इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। गवार गम गवार सीड अभी हाल फिलहाल में लगातार तेजी की ओर ही रहेगा। जानकारों का कहना है कि गवार का एक तो प्रोडक्शन कम है, मंडियों में अच्छी क्वालिटी की गवार उपलब्ध नहीं है, किसानों ने व्यापारियों ने गवार को स्टॉक किया हुआ है जिसकी वजह से तेजी बन रही है, और सबसे मेन कारण जिसकी वजह से ग्वार की जो कीमतें हैं उनमें उछाल आ रहा है वो है ग्वार की एक्सपोर्ट डिमांड बढ़ जाना। जब से अमेरिका ने रशिया के कच्चे तेल पर प्रतिबंध लगाया है और ये बयान दिया है कि अमेरिका अपना खुद का क्रूड ऑयल का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ाएगा, तो तब से इंडिया की ग्वार की जो कीमतें हैं उनमें एक हाइक देखने को मिली है जो कि आगे भी जारी रह सकती है। जानकारों के मुताबिक अब यहाँ से ग्वार गम 14,500 से 15,000, वहीं ग्वार सीड भी 7,000 के ऊपर जाता नजर आ सकता है। तो ओवरऑल रुझान ग्वार गम ग्वार सीड में भी तेजी वाला ही रहने वाला है। अब नहीं जाना पड़ेगा कहीं, बिग ब्लिस 10 मिनट में लाएगा आपके घर दूध और दही। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान।